अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आऊं इमरान चाहिए मता सबनी के खुश आमदी चाहां तो प्रोग्राम जंग सर्कल में फ्रेंड्स तालीमी हफ्तो जी तां सबनी खबर आहे त मेहरान टी ते इन तालीमी हफ्तो हली रहियो आहे ऐं इन दौरान असांजे प्रोग्राम जो टॉपिक आहे त छा गवर्नमेंट स्कूल में ओतिरी मयारी तालीम ॾिनी वञे थी जेतिरी प्राइवेट स्कूल में ॾिनी वञे थी, या वरी छा गवर्नमेंट स्कूल में ओतिरी मयारी तालीम ॾिनी वञे थी जेतिरी ॾियणु घुरिजे। फ्रेंड्स, इहो असांजे अॼु प्रोग्राम जो टॉपिक आहे जंहिंजे लाइ अॼु असांखे जॉइन कयो ब्राइट फ्यूचर हाई स्कूल भिटाई नगर कासमाबाद हैदराबाद। फ्रेंड्स, तव्हांजे ज़हन में सवाल इहो ज़रूरु ईंदो हूंदो त आख़िर असां हिन टॉपिक लाइ हिते छो गॾु थियूं, सिर्फ़ ई सिर्फ़ु इन लाइ छो त हिननि असांखे रिक्वेस्ट की थ्रू द मैसेज उहो तव्हां करे सघो था। सिंपली राइट मैसेज में वञी करे वाई सी लिखो जेको असांजे प्रोग्राम जो नालो आहे, उनखां पोइ पंहिंजो नालो, पंहिंजे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जंहिं बि इदारे में तव्हां तालीम हासिल करे रहिया आहियो मुंहिंजो नालो लिखी असांखे 7747 ते सेंड कंदा। इनशाला नेक्स्ट टाइम असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं। सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम जी शुरूआत कयूं था। प्रोग्राम शुरू करण खां पहिरीं आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलंदसि त हिते असां ॿ ग्रुप ठाहिया आहिनि, उन्हनि मां हिकिड़ो ग्रुप इहो प्रूफ करण जी कोशिशि कंदो त गवर्नमेंट स्कूल में वधीक बहितर तालीम ॾिनी थी वञे, ऐं ॿियो ग्रुप इहो प्रूफ करण जी कोशिशि कंदो त प्राइवेट स्कूल में वधीक बहितर तालीम बनिस्बत गवर्नमेंट स्कूलनि जे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कल्सुम गुल रिमेमेंट, आई स्टडी इन क्लास 10th। ऐं इहो चवणु चाहींदसि त सभिनी खां पहिरीं अहम जेको वॾे में वॾो फ़र्क़ु आहे सरकारी स्कूलनि जी पढ़ाई में ऐं प्राइवेट स्कूलनि जी पढ़ाई में, अहम बुनियादी फ़र्क़ु कैरिकुलम जो जंहिंखे तव्हां सिलेबस चओ था। प्राइवेट स्कूलनि जो सिलेबस हाईली रिवाइज़ अपडेटेड ऐं एडिड हूंदो आहे ऐं हाणोको मॉडर्न पर्सपेक्टिव सां ठहियल आहे जेको हर साल चेंज थींदो रहंदो आहे, हुन में नई तब्दीलियूं ईंदियूं रहंदियूं आहिनि। साइंटिफिक थ्योरीज़ नवां लाड़ा मुतारिफ़ कराया वेंदा आहिनि जंहिं सां पढ़ण वारे ॿार जे ज़हन में वॾी तब्दीली अचे थी, न सिर्फ़ु दुनिया जे लाइ सां अपडेट थिए थो बट सेल्फ क्रिएटिव बि थिए थो। पर गवर्नमेंट स्कूल ठाहियल सिलेबस आहिनि जेके मौजूदा वक़्त जी नज़र सां ॾिसनि त उहे तमामु पुराणा आहिनि या मुअल आहिनि, जेके अॼु जी जनरेशन खे नई शइ न पिया ॾियनि। गवर्नमेंट स्कूल जे बारे में प्राइवेट स्कूल जे बारे में सभु खां अहम जेको वॾे में वॾो फ़र्क़ु आहे, प्राइवेट स्कूल जे बारे में फ़र्क़ु इहो आहे त न्यू अॼु जी न्यू शयुनि खां वाक़ुफ़ु आहे, अपडेटेड आहे ऐं नई तब्दीलियुनि खां वाक़ुफ़ु थी चुको आहे। In the beginning of third sector, the position on the boom point, but as the time passed, they convert into a business sector. Instead of opening these sectors on theoretical base, they convert into a business sector. Businessmen people are concerned in ownership and apportion side. They compromise everything on their investment. Compromise in the sense that they are not appointing highly qualified teachers, because the highly qualified teachers have their own demand, which they can't afford because they get less profit. The most important demerit of private schools is that they are not appointing highly qualified teachers. It doesn't mean there are no highly qualified teachers, but they don't hire them. The students of private schools can learn chemistry, but can't be chemists. They can learn biology, but can't be biologists. And they can learn medical, but can't be extraordinary doctors. The teachers, which are qualified, trained, mature, are the role model for children. The students make them their ideals. Teachers play an important role for making students' personality. But unfortunately, they appoint untrained, immature, inexperienced teacher, then student personality would also be damaged. As the Shri Raman said, the new generation has no command on things. Many private schools establish different kinds of lives to attract their people, but the reality is that there is not sufficient instruments or chemicals for the experiments. Then how can these types of lives are usable for these students? I am Kainan Karma Kaloro and I am from middle class. मां इहो थो चवणु चाहियां गवर्नमेंट स्कूल में तालीम जो मयारु ॾींहों ॾींहुं घटि पियो वञे। तमामु ॾाढो सबबु इहो आहे जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट जी घणाई जे करे जेके टीचर्स आहिनि उहे उन्हनि ते सुठे नमूने सां ध्यानु नथा ॾेई सघनि ऐं अक्सर करे गवर्नमेंट स्कूल जो जेको टीचर आहे उहो एब्सेंट थो रहे, जंहिंजे करे हुनजो सालनि कोर्स मुकमल थी नथो सघे ऐं गवर्नमेंट स्कूल में आला दर्जे जो मयारु हिन हिसाब न पढ़ायो वेंदो, जंहिंजे करे उहो स्टूडेंट आहे उहो बहितरीन तालीम हासिलु करण खां महिरूम आहे। जॾहिं त तव्हां प्राइवेट स्कूल में ॾिसंदा उते जेको टीचर आहे उहो सख़्तीअ सां पंहिंजो कमु करे थो ऐं उहो स्टूडेंट ते सख़्ती थो विझे त उहो पंहिंजो कमु पूरो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर जो एब्सेंट, तव्हां छा चवणु चाहींदा इन बारे में? माय नेम इज़ अमना एंड आई स्टडी इन क्लास 9th। मां इहो चवणु चाहींदसि त जेके गवर्नमेंट स्कूल जा जेके उस्ताद आहिनि उहे हिन जे लाइ एब्सेंट हूंदा आहिनि छो त उहे पंहिंजो ज़ाती कारोबार कनि था। This time check is brought to you by मुझे सिंध जी सुरहा सभिनी के मेरे नवा रिश्ता जोड़े उस्ताद आहिनि उहे त प्रेज़ेंट हूंदा आहिनि पर जेके एब्सेंट हूंदा आहिनि उन्हनि जो पंहिंजो ज़ाती कारोबार हूंदो आहे ऐं उहे पंहिंजो ज़ाती कारोबार त कनि था पर उन्हनि जी पंहिंजी हुन में ग़लती नाहे। उहा जेका स्ट्रिकनेस हुन ते गवर्नमेंट हुन ते स्ट्रिकनेस नथी करे, उहा कंहिं क़िस्म जो चेक एंड बैलेंस नथी रखे, तॾहिं उहे एब्सेंट हूंदा आहिनि। ज़ाती कारोबार हिते हूंदा सभिनी खां इहो सुवाल कंदो हलंदो त गवर्नमेंट स्कूलनि जा जेके टीचर्स आहिनि उहे ज़ाती कारोबार में मशगूल लॻा पिया आहिनि, इन खां अलावा सहाफ़त, वीज़ा थी वियो, हिन सभिनी ॻाल्हियुनि में जॾहिं त उन्हनि खे हिते गवर्नमेंट सैलरी ॾिए थी, उनखां पोइ बि ॿियनि शयुनि में मसरूफ़ छो आहिनि? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सोरटमला, आई एम फ्रॉम मैट्रिक क्लास। Mostly government school teachers are absent because of their personal business, because they are highly interested to work in the NGOs and they search new programs new projects and highly and like to work to any other private institutions because they want to earn more money, and when they do not themselves send to school but says to villagers that
you teacher, we will give you some money. And when supervisors went to visit the government schools, they did not find teachers there. And they, when supervisors reported the records, they did not find teachers there. And when the government school teachers give them bribe, they do not report it. And government is also responsible for this because government do not take any action for the betterment of the education. That's why I think they're mostly absent in the government schools. Assalamu alaikum, my name is Fazila, I'm from 9B. I want to say that today in this expensive period, the amount of everything is talking to sky. Poverty has also spread very much. People want to earn double in a very short time. And for it is the main reason that some government teachers give absentees in school. But this is in a case of just few people. Just few people are there which are corrupt. They think that they can't fulfill their expenses from the pay. So they become indulgent in some type of main type of other job to fulfill their both hands. And on the other side, they become indulgent in some type of business or NGO or open their own to get twice benefit. But this all is because of lack of proper systemization. I am Sana Bro from 9th class. मुझे चवण यो आहे त जेके गवर्नमेंट जा उस्ताद हूंदा आहिनि उहे स्कूल्स खां एब्सेंट हूंदा आहिनि, न करे हुननि जी एनजीओ में दिलचस्पी हूंदी आहे, छो जो गवर्नमेंट स्कूल में स्ट्रिक्टनेस न हूंदी आहे ऐं उते स्ट्रिक्टनेस छो न आहे हुन ते, छो जो सिस्टम हुन ते सख़्ती नथो करे. सिस्टम जी सख़्ती न हुअण करे जेके गवर्नमेंट जा उस्ताद आहिनि उहे रोज़ अटेंडेंस त हणी था अचनि, पर पोइ हुन खां वांदे वेहण खां हू सोचनि था डबल प्रॉफिट छो न कमाइजे, इन करे हू एनजीओ में दिलचस्पी वठंदा. मां इहो चवणु चाहींदसि त मां ऑप्शन वधीक तौर पर ॿुधाइणु चाहींदसि त हिकु त गवर्नमेंट स्कूल जा जेके टीचर्स हूंदा आहिनि स्कूल में ईंदा न आहिनि, ऐं अगरि उहे ईंदा आहिनि त ॿारनि ते सही तवजो न ॾींदा ऐं पंहिंजनि ॿियनि सां कमु मसरूफ़ हूंदा आहिनि, जंहिंजे करे स्टूडेंट मजबूर थी वेंदा आहिनि ॿियनि ट्यूशन सेंटर्स ते पढ़ण लाइ. असां मञूं था उहे हाली क्वालिफाइड हूंदा आहिनि, पर अहिड़े क़िस्म जी तालीम कहिड़े कमु जी जंहिंसां उहे स्टूडेंट खे को फ़ाइदो न ॾेई सघनि. लिहाज़ा उहे जेके रोज़ कमाईंदा आहिनि हराम जी कमाईंदा आहिनि, छो त उन्हनि सां स्टूडेंट खे को फ़ाइदो नथो थिए. उहे त पघारूं हासिलु करे वेही था रहनि, पर उन्हनि सां स्टूडेंट जो मुस्तक़बिल ख़राबु थो थिए. गवर्नमेंट स्कूलनि में एब्सेंट रहनि था जेके टीचर्स, जस्ट अचनि था पंहिंजे प्रेजेंटेशन हणी ऐं पोइ एब्सेंट थी वञनि ऐं पंहिंजे ज़ाती कारोबार में हलिया था वञनि. उन्हनि जे बारे में तव्हांजो छा चवणु आहे? उहे ज़ाती कारोबार में मशगूल थी वेंदा आहिनि छाकाणि त उन्हनि खे को सिस्टम जो डपु न हूंदो, बट इहे तमामु घटि हूंदा आहिनि. अहिड़ा टीचर्स तमामु घटि हूंदा आहिनि या उन्हनि खे जंहिंखे डपु न हूंदो, उहे सोचींदा आहिनि त ॿार भले पढ़नि न पढ़नि हुननि जो को फ़ाइदो या नुक़सानु नथो थिए, हू सिर्फ़ु पंहिंजे फ़ाइदे लाइ सोचींदा आहिनि. ॿियनि कमनि में मशगूल हूंदा आहिनि, उन्हनि खे को सिस्टम जो डपु न हूंदो, बट इहे तमामु घटि माण्हू हूंदा आहिनि जेके करप्ट हूंदा आहिनि. त गवर्नमेंट ऐं प्राइवेट स्कूल जा टीचर जेके हूंदा आहिनि, उनखां पोइ हुननि जी शख़्सियत में थो फ़र्क़ु, तव्हां छा चवणु चाहींदा हिन जे बारे में? Assalamualaikum, my name is Mehak Mari and I'm from Matric. I want to say that government school teachers are highly qualified and their salary is also high, but they don't give attention to the student and they don't work hard. But in time of taking salary, they come first in the bank. This is extremely wrong that they are responsible for. They are the one who dumps the student's future in darkness. In private schools, teachers are also highly qualified and they give attention to the student. They very work hard and they take the student step by step to the star of success. But however, the salary is less than government teachers, but whatever they earn is their right and it is halal for them. Thank you. Assalamu alaikum, my name is Sumbul, I am from 9th class. Mostly private schools have small buildings, but government schools have good and large buildings. There is also a huge difference of performance and salaries between the private and government school teacher. In private school, if a teacher takes a class of 300 students, but he receives salary just equal to 3 students as compared to government school teachers. And on this end, the teacher cannot be able to maintain himself or herself also. That's why he became every time mentally disturbed. Then what he will give to the students? Definitely nothing, but government school teacher takes salary according to his duties, and that's why they became every time prepared and sincere for future of students.